हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं रवा पकोड़ा, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है और बहुत इजी मेथड से आप इसे बना सकते हो। तो इसके लिए हमें चाहिए आधा कप सूजी और इसके अंदर हम लोग डालेंगे 3 बड़े चम्मच दही के। उसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और 3 बड़े चम्मच प्याज डाल देंगे चॉप्ड की हुई। इसी के साथ 2 बड़े चम्मच कोरिएंडर लीव्स, इसे भी बारीक कट करके मिक्स कर देंगे। यहाँ पर सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1/2 छोटे चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। कंसिस्टेंसी बराबर करने के लिए हम लोग इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम इसे सूजी से बना रहे हैं और सूजी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। हम लोग अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। पानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अब हम लोग इसके अंदर 1/2 छोटी चम्मच ज़ीरा ऐड कर देंगे और 2 पिंच के करीब बेकिंग सोडा जो होता है वो ऐड कर देंगे। अब इसे भी मिक्स कर देंगे। फ्राइंग के लिए हम लोग तेल गरम कर लेंगे, तेल अच्छा गरम होना चाहिए। अब हम स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है वो तेल में डालते जाएंगे। आपके पैन में जितना भी पकौड़ा अटे आप उतना ही डालिए और हमें इस तरह से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो, ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।